समाजवादी पार्टी की छोटी बहू अपर्णा यादव हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की तारीफ करती आई हैं। यहां तक उन्होंने राम मंदिर के लिए 11,11,000 का चंदा भी दिया था। इसके साथ दत्तात्रेय होसबले की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह बनने पर उनके साथ अपनी फोटो भी शेयर की थी। जी हाँ, आपको बता दें, मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सूत्रों के अनुसार अपर्णा की बीजेपी से बातचीत फाइनल हो चुकी है। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था। कैंट विधानसभा क्षेत्र से 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव दूसरे नंबर पर रही थी। वह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। हालांकि अपर्णा को करीब 63,000 वोट मिले थे। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में रविवार को भाजपा में कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। कयास लगाया जा रहा है कि इस दौरान अपर्णा भी भाजपा में शामिल होंगी। योगी सरकार के कार्यकाल के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि योगी जी बहुत मेहनती हैं, साधारण हैं और वह धर्म के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं। बाकी सरकार के स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से काम नहीं हो पा रहा है। मीडिया से ही पता चलता है कि अधिकारी नहीं सुन रहे। ऐसे में योगी जी को गौर फरमाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।